इस पृथ्वी नामक महासागर में छिपे जैसा हमारा देश भारत, जिसके दक्षिण में बसा पर्ल सिटी यानी कि हैदराबाद। ये शहर अपने पैतृक परंपरागत हेरिटेज स्मारकों, कई सारी खूबसूरत झीलों, उद्यानों, म्यूजियम से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों की वजह से पर्यटक के लिए एक काफी समृद्ध जगह मानी जाती है। तो अगर आपको घूमने का थोड़ा भी शौक है तो आप ये शहर आए बिना नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है यहाँ का खूबसूरत गोलकोंडा फोर्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोलकोंडा फोर्ट के वर्चुअल टूर पे लेके चलेंगे और आपको साथ ही बताएंगे कि आप यहाँ का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आप एक बार इस जगह को देखोगे और इसकी हिस्ट्री को सुनोगे, फिर आपके लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका आर्किटेक्चर बेहतर है या फिर इसकी हिस्ट्री बेहतरीन है। तो हुआ यूं था कि 11वीं शताब्दी में गोलकोंडा किले को पहली बार काकतीय राजा प्रताप रुद्र द्वारा केवल मिट्टी के रूप में बनाया गया था। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान ये किला वारंगल के राजा देव राय द्वारा बहमनी राजाओं को सौंप दिया गया था। इस किले के निचले भाग में आप अपनी स्कूटी या बाइक पार्क कर सकते हैं और उसके बाद इस किले को पूरा कवर करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा और अगर आप बीच में रुक रुक के आ रहे हैं तो ये 2 से 2.5 घंटे का वक्त भी ले सकता है। आप जब भी इस जगह को विजिट करें, आप ट्राई करें कि आप शाम के वक्त यहाँ आने का प्लान बनाएं, क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और साथ ही यहाँ पे आपको नाइट शो में लाइट शो देखने का मौका मिलेगा। सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के बाद सल्तनत का विघटन हो गया और सुल्तान कुली, जो उस वक्त हैदराबाद के गवर्नर थे, उन्होंने गोलकोंडा को उस वक्त के सल्तनत की राजधानी बना दिया। उसके अलावा इस किले के आसपास हीरे की और खासकर कुल्लूर की खाने होने की वजह से गोलकोंडा बड़े हीरों के व्यापार का केंद्र बन गया और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कोहिनूर डायमंड भी यहीं पे पाया गया था। इस किले के ट्रैक पे जैसे जैसे आप जमीन से पहाड़ी की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको हर जगह खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी। गोलकोंडा फोर्ट लगभग 11 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ऐसा आर्किटेक्चर जिसके अंदर आपको 4 और किले देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको फतेह दरवाजा नाम की जगह भी देखने को मिलेगी और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर आप एक बिंदु के नीचे खड़े होके ताली मारेंगे तो उसकी गूंज लगभग 1 किलोमीटर तक जाती है। और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी अनोखी बातें गोलकोंडा फोर्ट को एक आकर्षण का केंद्र बनाती हैं और साथ ही यहाँ पे आपको जगदम्बा मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ हर साल बोनालू उत्सव के दौरान लाखों भक्त उमड़ते हैं और यहाँ जगदम्बा माँ का मंदिर लगभग 900 से 1000 साल पुराना है। इसके अलावा गोलकोंडा फोर्ट के अंदर आपको महाकाली मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। और लास्ट में ट्रैक करके जब आप इस गोलकोंडा फोर्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस गोलकोंडा फोर्ट के टॉप पे आ जाएंगे, जहाँ पे बैठ के आप शाम का सनसेट इंजॉय कर सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। इस किले में कुतुब शाही राजाओं की कब्रें आज तक मौजूद हैं, जो बगीचों और कई नक्काशीदार पत्थरों से घिरे हुई हैं। इसके अलावा इस किले के अंदर आपको और भी बहुत सारी इमारतें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अशला खाना, तारामती मस्जिद, रामदास बंदी खाना, ऊंट अस्तबल, निजी कक्ष, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गोलकोंडा फोर्ट के मुख्य परिसर के बीच में हर रात कुतुब शाही राजवंश और गोलकोंडा किले की कहानी का एक नाटकीय वर्णन लाइट एंड साउंड म्यूजिक शो के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पहुँचने की, तो ये फोर्ट शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ आने के लिए आपको 30 से 40 मिनट का वक्त लग सकता है, जिसके लिए आप कैब या फिर एक स्कूटी भी रेंट पे लेके आ सकते हैं। और साथ ही फोर्ट के शुरुआती भाग में आपको एक 250 किलो का पत्थर देखने को मिलेगा,
जिसे लोग उठाने का कोशिश करते रहते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा गोलकोंडा फोर्ट का छोटा सा सफ़र। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अगर अभी भी आपके मन में गोलकोंडा फोर्ट या फिर हैदराबाद को ट्रिप को प्लान करने को लेके कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सभी का उत्तर देने की कोशिश करेंगे।